अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे और बेफिक्र होंगे। तो वेलकम एंड कुछ लोगों का स्वागत हो, जो लोग नेपाल से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, बांग्लादेश से देख रहे हैं, मोस्ट वेलकम एवरीवन, बिग लव बिग रिस्पेक्ट। और पाकिस्तानियों के लिए तो वैसे ही बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से जी। फर्स्टली वेलकम, और उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और अगर नहीं है, कोई परेशानी है, तो अल्लाह आप सबकी परेशानियाँ दूर करे और हमेशा अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में रहें। एंड आप में से बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे वीडियोज़ क्यों नहीं अपलोड करी यूट्यूब पर, क्यों नहीं अपलोड करी। तो गाइज़, वीडियोज़ अपलोड ना करने की सबसे बड़ी वजह ये कि मेरे चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर नहीं थे, जो कि अभी भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अभी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। मैंने सोचा कि यार वो पता नहीं कब होंगे, तो मैं वीडियोस तो अपलोड करूँ ना। तो डेली गाइस, अब मैं लाइव की वीडियोस अपलोड करूँगी और कुछ हम दो चार व्लॉग्स भी बना लेंगे इधर उधर आने जाने। तो गाइस, शॉर्ट वीडियो अपलोड करने का नहीं टाइम मिलता, बस वो टिकटॉक पे ही हो जाती हैं, इंस्टा पे भी बहुत कम करती हूँ, और इसके अलावा यूट्यूब पे अब इंशाल्लाह लाइव की वीडियोस अपलोड किया करूँगी। इस लाइव में तो आई थिंक ये जो मैंने लास्ट पोस्ट किया उसमें मेरी थोड़ी आवाज़ का इशू आ रहा है, मेरी आवाज़ बल्कि आ ही नहीं रही है, बट मैंने वो पोस्ट किया क्योंकि उसमें सॉन्ग था आयत, एंड बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग था, एंड मैं बता नहीं सकती मुझे कितना 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 पसंद आया। तो मैंने यार प्रमोट करना था नेपाल के लोगों को थोड़ा सा, कि पाकिस्तान में उनको कुछ लोग जाने, कुछ लोग बहुत जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बड़े फैंस भी हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं भी जानते। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे थ्रू अगर एक भी बंदा उनको जान जाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, मेरे लिए प्राउड मोमेंट होगा यार। मेरी वजह से उनका एक फ़ैन भी बढ़ गया, एक तो मैं खुद उनकी फ़ैन हूँ, एंड सेकेंडली बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे बात करके, उनको लाइव पे लेके, एंड आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। नेपाल के जितने लोग हैं, बांग्लादेश, जहाँ से भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, मलेशिया से देख रहे हैं, दुबई से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, बहुत सारा प्यार। बहुत लोग सऊदी से देख रहे हैं, और बहुत सारे तो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी तो अपने लोग हैं, अपने लोग हैं, अपने लोगों के लिए खास प्यार है, ठीक है। तो लेकिन जो लोग बाहर से देख रहे हैं वो उनकी अलग बात है। थैंक यू सो मच, बहुत खुशी होती है जब आप लोग मतलब इतना प्यार देते हो, लाइक बाहर से बाहर रह के इतना ज़्यादा प्यार मतलब पाकिस्तान को देते हो, तो अच्छा लगता है। थैंक यू गाइज, और जो लोग बुरे कमेंट करते हैं तो कोई बात नहीं, करते रहे, अल्लाह उनको भी हिदायत दे, अल्लाह उनको भी हिदायत दे, बस आमीन आमीन। अगर वो किसी परेशानी में आके इस तरह बुरे बातें करते हैं या बुरे कमेंट्स करते हैं, तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर करे, आमीन सुम आमीन। हमेशा खुश रहें और खुशियां बिखेरते रहें, एंड ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा यूट्यूब पे, इंशाल्लाह अब से मैं रेगुलर आया करूँगी यूट्यूब पे भी। बस टाइम नहीं मिल रहा था, एंड अभी बस वेकेशन मेरी एंड होने वाली है, तो मैंने सोचा यार वेकेशन में ही मैं यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टा, ये सब कुछ थोड़ा बहुत कवर कर लूँ, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं होगा, कॉलेज जाना होगा, और फिर टिकटॉक का भी टाइम नहीं मिलेगा। अभी तो मैं हर जगह पे पोस्टिंग वगैरह कर रही हूँ ना, तो अभी मुझे यूट्यूब पे फोकस करना है थोड़ा सा। आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जिसने नहीं किया हुआ, जिसने किया हुआ है बहुत 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 शुक्रिया, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। खैर, लॉट्स ऑफ लव, बिग रिस्पेक्ट हर बंदे के लिए, कोई इस दुनिया के जिस कोने से भी देख रहा है उसको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, एंड आई लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।